वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषयक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी अपडेट हो रही है गार्डन रीज शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर आपकी डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर या कह सकते हैं डिप्लोमा से रिलेटेड यहाँ पर जॉब्स आई हैं अलग अलग ब्रांचेस की, जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर आपकी जॉब्स रहने वाली है। आइए पूरे नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। 7 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट जो है सुपरवाइजर ग्रेड की है, जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल तक यहाँ पर रखी है। बाकी एससी एसटी ओबीसी का अपना जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो उन्हें मिलेगा। तो सुपरवाइजर अगर S1 ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर जो सुपरवाइजर की पोस्ट है इसके अंदर देख सकते हैं ग्रेजुएट विद डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा हैविंग मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर आईटी। अगर कंप्यूटर आईपी में आपने डिप्लोमा ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ 60% मार्क्स इक्विवेलेंट सीजीपीए इन बोथ ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा, यानी आपके पास 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन के लिए। अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में आपके पास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद पीजी डिप्लोमा हैविंग 1 ईयर इन फाइनेंस, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल का फाइनेंस में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं लीगल की, तो देखिए लीगल में आपके पास LLB होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियर टेक्नीशियन की, यानी जिसके अंदर डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया। अगर आपने मैकेनिकल में कर रखा है तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ अप्लाई, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है। सेम इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा और आपका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 60% के साथ होना चाहिए। अब देखिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग सुपरवाइजर ग्रेड वन का जो कि S1 का है, इसमें आप लोग देखेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट, तो मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नीड नहीं है। इलेक्ट्रिकल में सेम इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, पेंट टेक्नोलॉजी में सेम, सिविल में सेम, नेवल में आपके पास नेवल आर्किटेक्चर के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास देखिए यहाँ पर देखिए आईटी के अंदर यहाँ पे ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा हैंगे मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ इक्विवेलेंट टू द कंपनी आईटी नेटवर्किंग बैचलर इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस में आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिन एचआर की, तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और डिप्लोमा इन 1 ईयर और इक्विवेलेंट एचआरएम लेबर वेलफेयर लेबर लॉस ट्रेनिंग ऑन डेवलपमेंट एक्सेट्रा, और या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एस्टिमेशन MBA अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से मटेरियल मैनेजमेंट का भी यहाँ पे डिप्लोमा इन विद ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपके पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट वगैरह में। इसी तरीके से फार्मेसी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर। अगर आप बात करते हैं डिज़ाइन असिस्टेंट की, तो मैकेनिकल के अंदर आपके पास यहाँ पर भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ 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 ऑटो कैड की नॉलेज आपके पास इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल तीनों में यहाँ पर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको बता ही दिया मैंने आपका 28 साल से अगर आपकी एज जनरल में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुपिंग ऑफ डिप्लोमा, जैसे कि अलग अलग मैकेनिकल की भी कई सारी सब ब्रांचेज होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपके मैकेनिकल प्रोडक्शन, तो ये सब एक ही में आ जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं, वो मैकेनिकल के अंदर ही यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो देखिए कहीं भी किसी भी यूनिट में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी दो ऑब्जेक्टिव टाइप का पार्ट होगा, जिसके अंदर पार्ट ए में आपका 20 क्वेश्चन आएगा जो कि आपका जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी डाटा एनालिसिस न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी में आपका 80 क्वेश्चन होगा जो कि टोटली आपकी ब्रांच वाइज आएगा, आपकी जौन सी भी ब्रांच होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे का टाइम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए 1:5 रेशियो में कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, यानी एक सीट पे 5 कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ट्रेड टेस्ट जो होगा आपका केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके बाद आपकी मेरिट जो बनेगी आपके रिटर्न के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो देखिए www.grse.in पर जाकर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे आप लोग इसे अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 400 रुपये आपकी UR की फ़ीस है, और बाकी आप देख सकते हैं अदर की फ़ीस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और अगर SC ST वगैरह से हैं तो आपकी फ़ीस यहाँ पर 0 जाएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। बाकी देख सकते हैं पोस्ट एडवर्टाइज थोड़ा ग्रेड, देखिए आपकी क्या CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी आपकी क्या रहेगी, तो यहाँ पर देखिए लगभग लगभग 7 लाख के आसपास सभी में आपका लगभग बैठ रहा है, 6.5-7 लाख के आसपास यहाँ पर आपका रहेगा। देखिए रिटर्न टेस्ट जो आपका अगस्त में फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका हो जाएगा, यानी 7 से लेकर 15 के बीच या 20 के बीच आपका यहाँ पर होने का चांस रहेगा, तो जो भी है आप लोग अपनी तैयारी अपनी पूरी रखें, फॉर्म भर दें। और बाकी अगर देखेंगे आपको डेट नोटिफिकेशन बताई दिया, और सिलेबस यहाँ पे देखिए पूरा दे रखा है, देखिए यहाँ पे पूरा इंजन यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रेड टेस्ट है टेक्नीशियन का आउटसाइड देखिए सब कुछ दे रखा है, अदर एक्टिविटीज़ वगैरह भी यहाँ पर दे रखी हैं, तो इस चीज़ को आप लोग देख लें पूरा एक बार ढंग से। और बाकी देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपका दे रखा है, क्या आपका जॉब आपको क्या काम करना पड़ेगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो उस हिसाब से आप लोग अपना
पूरा तैयार कर लें। आशा करता हूँ अपडेट पसंद है, अपडेट पसंद है वीडियो को लाइक करें, और भी कोई डिटेल में जानना है तो कमेंट करें। मैं अभिषेक आपके साथ नेक्स्ट स्टूडेंट फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।